पैसा सबको चाहिए, लेकिन पैसा के लिए क्या चाहिए, कैसे सोच चाहिए, विचार चाहिए, ये किसी को पता नहीं है। पूछते हैं हम किससे, जो हमारे जैसे लोग हैं उसी से पूछते हैं, तो हमें कैसे पैसे मिलेगा, राइट। चार माइंड ब्लॉक्स है जिसकी वजह से आपको कभी पैसा नहीं आ सकता है। तो हम लोग वन बाय वन देखते हैं कि क्या है आपकी सोच विचार, किस तरह का सोच, किस तरह का लोगों के साथ रहने से आपको पैसा नहीं आ सकता है, आप कभी अमीर नहीं बन सकते हो, करेक्ट। वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट है कि लोग बोलते हैं कि पैसा सब खुशियाँ नहीं देती हैं, राइट। बाबा मैं उसमें नहीं आता हूँ, पैसा सिर्फ उससे खुशियाँ नहीं मिलती है, लेकिन ये सोच के आपको कभी पैसा ही नहीं आएगा तो कोई भी खुशियाँ नहीं मिलेगी आपको, ओके। सो ये सोच माइंड से हटा दो कि पैसा से सब कुछ नहीं होता है, ओके। पैसा से सब कुछ होता है, एक आध दो चीज़ छोड़ के बाकी सब पैसे से होता है, ये दिमाग में ढालो, ओके। नेक्स्ट सोच आते हैं, कोई पैसा पूछा तो क्या पेड़ में पैसा है क्या, पेड़ से निकाल के दूंगे तेरे, राइट। इस तरह का बातें करना सोचना पहले छोड़ दो, आपको कभी पैसा नहीं आएगा, ये सब छोड़ दो। सेकेंड बोलते हैं कि पैसा आएगा तो आदमी बदल जाएगा, इसके लिए मुझे पैसा नहीं, मैं अभी ऐसे ही साइकिल में चलता हूँ, रोज जाता हूँ, मैं ठीक हूँ, कभी नहीं सुधरेगा, आपको कभी पैसा नहीं आएगा, राइट। पैसा चेंज होगा ऐसा डर के लोग पैसा नहीं कमाते हैं, ये भी उसके लिए डेंजर है। फिर बोलते हैं कि पैसा आपको गलत आदमी बना देगा, मेरे को गलत आदमी नहीं बनना है, मुझे अच्छा जो भी चार रोटी मिलता है, दाल रोटी अपना ठीक है, तो आपको कभी पैसा नहीं आएगा, क्योंकि आप डरते हो पैसा आने से आप चेंज हो जाओगे, राइट। ऑब्वियसली पैसा आने से चेंज होगा, लेकिन हर अमीर लोग खराब नहीं होते हैं, राइट, उसके बारे में आपको सोचना है। फिर बोलते हैं कि पैसा, अरे वो तो लालची आदमी है, पैसा 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 चाहिए, तो अगर आप सोचते हो कि पैसा वाले लालची होते हैं तो फिर आपको कभी पैसा आएगा, ओके। बस वही धर के टोकरे करो, ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप चेंज कर दो, राइट। लेकिन एक सौ पैसा चाहिए, आप जो भी पैसा कमाते हैं उनको ग्रीडी यानी कि बोलते हैं ना लालची आदमी, ये सब मत बोलना, तो उसकी वजह से आपको नहीं आएगा। सेकेंड बोलते हैं पैसा हमेशा यू नो भूत होता है, वो आदमी को नुकसान कर देता है, यू नो नरक होता है पैसा, ऐसा सब सोच है ना, ये आप जिंदगी भर आप बिना पैसे से नरक में रहोगे, राइट, ये सोच कभी आना नहीं चाहिए। सेकेंड बोलते हैं कि सबको हेल्प करो, पैसा के लिए एक्सपेक्ट मत करो, लेकिन बिना पैसे की हर किसी को हेल्प करना जरूरी नहीं है। जैसे मैं ट्रेनिंग मैं देता हूँ, मेरा रोजी रोटी यही है, राइट। अगर मैं बोलूँ आ जाओ सबको मैं फ्री में ट्रेनिंग देता हूँ, तो मेरा घर कैसे चलेगा, राइट। तो पैसा हर चीज़ पॉकेट में नहीं होता है, है ना। जब आप हर चीज़ पॉकेट में करते हो आपको कभी पैसा नहीं आएगा। जिसमें आप बेस्ट हो, जो करना है, हाँ 10-15% जो भी है एक आध बार, ठीक है, आप मस्त पैसा कमा रहे हो थोड़ा कुछ, ठीक है, गरीबी है और गरीब है और गरीबी करते रहेंगे तो क्या मतलब है, राइट। ये सोच आपको चेंज करना पड़ेगा, ओके। अभी कैसे कैसे सोच आपको माइंड में रखना चाहिए उसमें देखते हैं। नंबर वन है कि पैसा जो है आपको फ्रीडम देता है, फ्रीडम मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, ओके। सो जो चाहिए, अभी चेन्नई जाना है या दिल्ली जाना है, फ्लाइट पकड़ो, नहीं तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है ट्रेन में जाने का। अच्छा, ट्रेन में भी जाते तो आपके पास ऑप्शन नहीं होगा, स्लीपर क्लास में जाओ या लटक के जाओ, फिर थर्ड एसी में जाओ, सेकंड एसी में जाओ, फर्स्ट एसी में जाओ, या फ्लाइट से जाओ, बहुत सारा ऑप्शन दे सकता है। क्या? पैसा। पैसा आपको फ्रीडम देगा। सुपरमार्केट में जाते हो, आपको जो मर्जी है उठा के डाल सकते हो, प्राइस टैग देखने की जरूरत नहीं है, ये कितना रुपया का है, ये कितना रुपया का, सिर्फ जाके सेट होता है क्या देखने का, अंदर डालने का, राइट। फ्रीडम, पैसा आपको फ्रीडम देगा। देन आपको बहुत सारे चॉइसेस देगा, मतलब ट्रेन में जाना है, बस में जाना है, ये लूँ वो लूँ, कैसे जाऊँ, सब कुछ आपको करेगा, राइट। फिर हम लोग देखते हैं कि लेस मनी कैन यू नो मनी ईविल नहीं होता है ना, वो दिमाग में कभी आने मत देना कि पैसा खराब होता है, ऐसा नहीं है। पैसा से हम आप किसी को हेल्प कर सकते हैं। पैसा कम होने से आदमी गलत रास्ते पे जाता है, ओके। हम लोग क्या सोचते हैं कि पैसा ज़्यादा आने से आदमी गलत हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बिना पैसे से अभी जितना भी फिट पैकेट है, चोर मोड़ जो भी करते हैं ना, पैसा नहीं है इसके लिए करते हैं,
तो ये सोच आपको दिमाग से हटाना है, राइट। पैसे चाहिए तो ये सब मैं पहले एक ही पॉइंट का मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। सबकॉन्शियस में जो भी अपना स्टेटमेंट है ना नेगेटिव है उसको आपको हटा के रहना चाहिए। थर्ड वाला चलता है कि अगर सपोज अगर आप इस तरह का मैं जितना भी बोलता हूँ वो आपका माइंड सेट है, फिर भी आपके पास पैसा आ गया है ना, कुछ इधर उधर करके बिजनेस आ गया, पैसा आ गया, सेट हो गया, ये पैसे को ये आपकी ये जो रिच है ये पैसा जो आया इसको आप जिंदगी भर नहीं रख सकते हो क्योंकि आपका माइंड सेट गलत है, पैसे के बारे में आप गलत सोचते हो, ये पैसा आपके पास रहेगा नहीं। तो उसको कैसे सेट करना है, उसको कैसे प्लान करना है, उसको कैसे आगे चलना है, तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, करेक्ट। तो इसके लिए ये माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, तभी पैसा गलती से आया तो भी आपके पास रहेगा, नहीं तो चले जाएगा। मैक ट्रैक्शन ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिसके पास पैसा आया फिर वो रास्ते पे आगे रहो, क्योंकि उनकी जो सोच विचार है पैसा की ओर या फिर उनकी एटीट्यूड सोच है। देखिए इसमें एक वीडियो है मैं अलग से बनाता हूँ, जो पैसा जितना कमाते हैं ना, पैसा सब लोग कमाने के बारे में सोचते हैं लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि पैसा की ओर आपकी जो एटीट्यूड है या फिर आपकी जो हैबिट्स है, आपकी जो भी है वो कैसे मेंटेन करना है, तभी आपकी जो पैसा आएगा वो आपके पास रहेगा। आप कितना लोग को देखते होंगे, लाख लाख करोड़ों करोड़ों पैसा आता है लेकिन हमेशा वो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, या उधार इधर इधर ऐसा चलता है, राइट। क्यों? क्योंकि उनकी उस तरह का सोच विचार ये सब चीज़ है। तो वो एक है, वो उसमें हम लोग अलग से बात करते हैं। सेकंड, आपकी वो सराउंडिंग्स में कितना लोग भी रहेंगे ना, सब लोग 95 लोग माइनस 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 पैसे के बारे में नेगेटिव आपको बताते हैं, स्कूल्स में टीचर्स में पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है, लव 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 लेके आप जाओ ना सुपर मार्केट में शॉपिंग करके आओ ना, क्रेडिट कार्ड के बदले में लव दो, शॉपिंग करके ट्रॉली लेके आके दो, लव से कुछ नहीं होता भाई, पैसा चाहिए, राइट। ये 95% पेरेंट्स से लेके टीचर फ्रेंड सब लोग इसको पैसे की ओर नेगेटिव बोलते हैं, 95% लोग। मेरे ज़िंदगी में मैं देखता हूँ मुझे किसी ने आके ये ऐसा बताया नहीं, मैं पेरेंट्स से लेके पूरा जितना भी गांव वाले फ्रेंड्स स्कूल फ्रेंड्स बॉस सब को लोग पैसा के बारे में ये सोचते हैं, इसके लिए कभी मुझे पसंद है। सो 5% लोग को ढूंढना है, उनके पास हमेशा पॉजिटिव रखना है, ये करना है, राइट। वो एक हो गया। सेकेंड देखते हैं कि लास्ट में बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है। ओके, ये वन हो गया। पॉइंट नंबर टू में जाते हैं। पॉइंट नंबर टू इज व्हाट, चार लोग क्या सोचेंगे, ये जो चार लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, जो भी सोचते हैं ना इसके बारे में, मैंने एक वीडियो बनाया फेसबुक यूट्यूब में मेरा है इसका, आप थरोली उसके देख लीजिएगा। जब हम लोग चार लोग के बारे में सोचते हैं हम लोग कभी आगे बढ़ के कुछ नहीं कर पाते, ओके। और जब आप नहीं करते हैं तो आप कुछ भी कर नहीं पाओगे, पैसा भी आपके पास नहीं आएगा। ये चार लोगों के चक्कर में आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, राइट। वो क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे, और अपने पीछे क्या बोलेंगे, आगे क्या बोलेंगे, क्या है भाई, राइट। ये सब छोड़ देंगे अच्छा होगा। मैं खुल्लम खुल्ला फेसबुक में इसमें सब मेरा बहुत सारे वीडियोस में बोलता हूँ, मेरा गलती से लोग मुझे जाने मैं कितना गलती करता हूँ, राइट। मेरे बातों में, इंग्लिश में, हिंदी में मैं गलती करूंगा भाई, क्या करना है तेरे को, राइट। मैं गलती करूंगा क्योंकि गलती करूंगा तभी मैं सीखूंगा, राइट। हाँ, समय है सीखने का, चेंज करने का अलग बात है, लेकिन मुझे जाना है भाई, राइट। जब आप ये डेयरिंग आते हो कि कोई किसी का कुछ आपके ऊपर फिक्र नहीं पड़ने वाला है तो फिर आपके पास पैसा आ सकता है, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आते हैं कि लोग समझते हैं पैसा आएगा तो मैं चेंज हो जाऊंगा, फिर पैसा बहुत कमाऊंगा, लोग नाम हो जाएगा, फिर मेरे पास पैसा नहीं रहा, वापस मैं रोड पर आ गया। तो इससे अच्छा है कि अपना चार रोटी चलता है, यही क्या भाई लोगों को अजीब अजीब का सोच रहता है, राइट। इससे अच्छा अपना परमानेंट जॉब है, ये है, इतना रेगुलर चलता है, बस भाई इतना इसकी वजह से आपके पास कभी पैसा नहीं आएगा क्योंकि आप अमीर होने से डरते हो, क्योंकि आपको लगता है कि अमीर होने के बाद वापस वहाँ पर रह नहीं पाऊंगा, वापस नहीं जाऊँगा, तो ये सब सोच की वजह से भी आपका लाइफ नहीं चलेगा। लास्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, हर चीज़ का एक कीमत होता है, राइट, प्राइस होता है। तो अभी कहीं पे भी सीखने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, लेकिन सबको फोकड़ में चाहिए। यूट्यूब है ना, अभी ये भी आप वीडियो देखते होंगे, सबको फोकड़ में चाहिए। फोकड़ में जो भी है ना आप सुनते हो चाणक्य नीति में चाणक्य बोलते हैं कि आप बिना गुरु का जो भी पढ़ते हो ना वो वैश्या का बेटा जैसा होता है, ऐसा बोलते हैं, उसका कोई बाप नहीं होता है। तो बोलते हैं कि हर एक कोई गुरु चाहिए, एक मेंटर चाहिए जो उनकी बात सुनना चाहिए। मेरे लाइफ में मैं सच में इसको अनुभव किया हूँ। मैंने बहुत सारे मेंटर इधर उधर पढ़ते 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 इनसे कुछ ऐसा लेके मैं कहीं का ना रहा हाँ एक लेवल तक पहुँचा, लेकिन ये जो फोकस करके बहुत आगे जाना था ना ये नहीं हो रहा था।
फाइनली मुझे समझ में आएगा कि एक ही मेंटोर है, एक या दो मेंटोर है जो अपना लाइफ चेंज कर सकता है, और वो मुझे मिला। हाँ, मुझे लाखों लाख उसको देना पड़ा, अलग बात है, लेकिन जब मैं सीखने लगे ना तो लगा कि बस इसके आगे मुझे कोई फॉरवर्ड मैसेज, ये मैसेज देखने की ज़रूरत नहीं। मुझे मोटिवेशन कोई भेजता, ये भाई मोटिवेशन भेजने के लिए, समझा, व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग, नो, मतलब मेरा माइंड पूरा सेट है, मुझे जितना चाहिए मिल गया, अभी मैं इसके ऊपर मुझे काम करना है बस। क्यों? क्योंकि आपको एक गुरु मिला है तो उसके लिए कीमत लगता है। मुझे आके बोलते हैं फोकट में सिखाओ ना यार, फोकट में अभी जो ट्रेनर है, जो भी कोचिंग देता है, उनका काम ही कोचिंग देना, और सबको फोकट में करेगा क्यों भाई, तुम्हारा उसका क्या लेने देना है, और तुम कमाएगा तो बाद में जाके उनको देने वाले हो क्या? नहीं, हर चीज़ का कीमत होता है। जब आपको ये यकीन नहीं होता है कि मुझे पैसा देना पड़ेगा सीखने के लिए और मुझे फोकट में सीखना है, तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते हो। पैसा फेंकना पड़ता है पहला, राइट, सीखने के लिए पैसा देना पड़ता है, फिर आप अमीर बनोगे। ओके, सो ये जो चार पॉइंट्स हैं उसके ऊपर आप ध्यान रखिएगा, सोचिएगा आपको क्या करना है उसके ऊपर, सबसे कर सकते हो। अगर किसी को मेरा हेल्प चाहिए इसके रिलेटेड, तो नीचे लिंक होगा, कहीं पे भी होगा, उसमें क्लिक करिएगा, उसमें एक सर्वे फॉर्म है, उसको फिलअप करिएगा। अगर आपका गुड सेलेक्शंस हैं और हमारा सेट होगा तो मैं आपको कॉल करूँगा और हम लोग आगे की बात करेंगे। राइट, थैंक यू, हैव लॉट्स ऑफ मनी, पैसा 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 चाहिए, राइट, थैंक यू।